238 बार चुनाव हारने के बाद भी ये इंसान हार नहीं मान रहा। 238 बार चुनाव लड़ा और हर बार हारे। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम हो गया है शामिल। एक बार फिर लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं तमिलनाडु के पद्मराजन। पद्मराजन ने अपनी लाइफ में लोकल इलेक्शन से लेकर प्रेसिडेंट तक के लिए 238 बार चुनाव लड़ा है, लेकिन हर बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। पद्मराजन को इलेक्शन किंग और वर्ल्ड बिगेस्ट इलेक्शन लूजर भी कहा जाता है। 65 साल के पद्मराजन टायर की दुकान के मालिक हैं। पहली बार 1988 में तमिलनाडु के मैटूर से उन्होंने चुनाव लड़ा था। वो पीवी नरसिम्हा और अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ भी चुनाव लड़ चुके हैं। इस बार वो तमिलनाडु के धर्मपुरी से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब मैंने पहली बार इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन फाइल किया तो लोग मुझ पर हंस रहे थे, लेकिन मैं इलेक्शन लड़कर यह साबित करना चाहता था कि आम आदमी भी इलेक्शन लड़ सकता है। मुझे बस अपनी हार का सिलसिला आगे बढ़ाते रहना है। उनका कहना है कि नॉमिनेशन के नाम पर 30 सालों में 1 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च हो गए। लोग इलेक्शन लड़ने से झिझकते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मैं लोगों में रोल मॉडल बनना चाहता हूं।